सुमेर भाई, मैंने बहुत सुना है कि लिंक्डइन पर इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है हम लोगों ने बताया, क्योंकि इंटर्नशिप के फायदे बहुत हैं यार। अपने को सबसे पहले अपने कॉलेज में होते हुए काम करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ में कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सर ये बताओ कि लिंक्डइन पे सुना है बहुत मिलती है, तो कैसे मिलती है आज आप बता दो। सर ये वीडियो मैंने आप कंप्लीट एकदम स्क्रैच से कैसे आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हो लिंक्डइन पे, तीन तरीके बताऊंगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड पेड इंटर्नशिप ऑन लिंक्डइन और हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप ऑन लिंक्डइन। सुमेर भाई, मैंने बहुत सुना है क्या लिंक्डइन पे इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है हम लोगों ने बताया। हम लोग भी अभी हमारी छुट्टियां पड़ी है, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट है और हम लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या फिर हम छुट्टियां भी नहीं पड़ी, बेसिक्स है, कॉलेज स्टूडेंट है और इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के फायदे बहुत हैं यार। अपने को सबसे पहले अपने कॉलेज में होते हुए काम करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ में कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। पर कैसे ढूंढे ये इंटर्नशिप सुमेर भाई, ये हम लोगों को नहीं पता। तो यार ये बताओ कि लिंक्डइन पे सुना है बहुत मिलती है, तो कैसे मिलती है आज आप बता दो। तो यार ये वीडियो मैंने आपको कंप्लीट एकदम स्क्रैच से कैसे आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हो लिंक्डइन पे, तीन तरीके बताऊंगा। कितना, एक नहीं, तीन तरीके बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखना भाई। वीडियो के ना बेसिक सी लाइक टारगेट मैंने रखी है, वो है 550 लाइक। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक ज़रूरत है वो है कि आपका एक ढंग का लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप होना चाहिए। क्योंकि यार देखो यार, बिना प्रोफाइल पिक्चर के अपने को कोई इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजता है, अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यार लिंक्डइन पे अपन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बिना ढंग की प्रोफाइल सेटअप किए तो कोई ऐसे ही थोड़ी अपने को दे देगा इंटर्नशिप। तो यार आपको अगर आपकी बेसिक प्रोफाइल सेटअप करनी है, तो उसमें चार चीज़ें होती है। वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू सेटअप लिंक्डइन प्रोफाइल एंड हाउ टू यूज़ लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट्स एंड कंप्लीट बिगिनर्स, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, फिर भी मैं यहाँ पे ऊपर से बता देता हूँ, डिटेल में वहाँ पे देख सकते हो। यार चार मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोफाइल पिक्चर अपना, तो वो ढंग का होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, गोवा की बीच की फोटो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा होता है आपकी हेडलाइन। हेडलाइन तो आप क्या काम करते हो, क्या चीज़ों के लिए जाना चाहते हो, और उसी के साथ साथ आप किस चीज़ के लिए काम करना चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वेब डेवलपर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, तो जो काम के लिए आप जाने जाना चाहते हो वो चीज़ वहाँ पे लिख दो, सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ ये है कि आपकी बायो ढंग की होनी चाहिए, जो आपने चीज़ों को हेडलाइंस में लिखा है उन चीज़ को आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए कि यार मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड को प्रेफर करता हूँ, ये चीज़ों में मैं करना चाहता हूँ। तो वो आपके बायो में डिस्क्राइब करना चाहिए कि आप क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, थर्ड चीज़। और फोर्थ चीज़ है बेसिक से आपका कवर फोटो। कवर फोटो जो आपके फोटो के पीछे कवर फोटो होता है वो आपको दिखाता है। अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कुछ कोडिंग का डाल सकते हो, वीडियो एडिटर हो तो कुछ वीडियो एडिटिंग के बारे में डाल सकते हो, तो कवर फोटो दिखाना चाहिए। ये चार चीज़ें मेन होती है। उसी के साथ साथ आप अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, अपना काम ऐड कर सकते हो, क्योंकि यार कहीं भी इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपका कुछ होना चाहिए चीज़ें दिखाने के लिए। क्योंकि जब आप अपना काम थोड़ा सा दिखाते हो तो लोगों को भी सही लगता है, रहते थे जस्ट लोग मैसेज कर देते हैं हाई आई एम वेरी हार्ड वर्किंग कैन आई गेट इंटर्नशिप, नहीं भाई मुझे तेरा काम बता दो मैं फटाक से तेरे को ले लूँगा। इतना क्लियर है? एक सैम्पल देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि एक ढंग की प्रोफाइल कैसे सेटअप होनी चाहिए। क्लियर है? तो जैसे आप देख सकते हो, हम एग्जाम्पल लेंगे प्रात सेठ की प्रोफाइल का, उसने बहुत अच्छी अपनी प्रोफाइल सेटअप की है, तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रोफाइल पिक्चर बहुत सही है, अपना चेहरा विजिबल है और बहुत सही से एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लग रही है। कवर फोटो पे लाइब्रेरी डाला गया है तो वो भी सही है क्योंकि अपन स्टूडेंट है। हेडलाइंस में अपनी स्किल्स को मेंशन किया गया, जो चीज़ों के लिए अपन जाने जाना चाहते हैं उस चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि फ्रंट एंड डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है, कॉन्टेंट क्रिएटर है, बहुत सही से बता दिया गया है। अभी बायो देख लेते हैं, तो बायो में बताया गया है करंटली अ सेकेंड ईयर, सोफोमोर का मतलब होता है सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट TES मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, परस्यूइंग एन अंडरग्रेजुएट डिग्री, आई एम अ मेजर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सही है भाई। उसके बाद होता है आई एम इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, AI, ML, डेटा साइंस एंड लर्निंग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सीकिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द सेम इन द वेब डेवलपमेंट फील्ड। आई एम लुकिंग फॉर बींग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन द अपकमिंग ईयर। आई एम ऑल्सो एन ओपन सोर्स एंथुसियास्ट। आई एम ऑल्सो फ्रीलांसिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज अ साइड हसल। तो बायो में अपनी स्किल जो अपन ने बताई गई थी अपने हेडलाइंस में, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में खोला गया। तो यार ये चीज़ जब देखते हैं ना, सामने वाला लगता है कि हाँ यार ऐसे ही नहीं, इसने काम किया हो, इसको पता है चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ इसने ऐड की है जो आपको भी करनी चाहिए अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो वो है अपने प्रोजेक्ट। क्या यार सिर्फ डायरेक्ट अपने को कुछ नहीं आता, मुंह उठा के कोई इंटर्नशिप नहीं देगा, अपने को थोड़े अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाए होने चाहिए जो आप
2-3 4 हफ्ते में आराम से बना सकते हो कोई भी लैंग्वेज को सीख के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ने प्रोजेक्ट भी मस्त बनाए हुए। तो यहाँ पे देखो बेसिक फ़ोन नंबर डिटेल का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, एक ब्राउज़र उन्होंने खुद बनाया था, उसके बारे में लिखा भी है कि वी हैव क्रिएटेड अवर ओन फुली फंक्शन ब्राउज़र एंड नेम्ड इट एज ओन ब्राउज़र। उस प्रोजेक्ट में उसने क्या क्या चीज़ें मेंशन बनाई है वो सारी चीज़ें इसने डिटेल में लिखी गई है। तो आप अपना प्रोफाइल में 4 चीज़ें अगर सेटअप कर लो, जैसे आपका प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी हेडलाइन है, आपका बायो है, आपका कवर फोटो है, अगर आप अपना प्रोजेक्ट ऐड करो तो ये आपका ढंग का एकदम मस्त वाला प्रोफाइल सेटअप तो हो गया, स्टेप 1 हो गया, एकदम बेसिक्स अपने क्लियर है। अब बढ़ते हैं कि इंटर्नशिप कैसे ढूंढी जाती है, पहला तरीका देख। तो इंटर्नशिप ढूंढने का जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉब सेक्शन है उसमें आपको जाना है। जॉब सेक्शन में जाके ही आपको जो सर्च ऑप्शन है उसमें जिस चीज़ के लिए आप इंटर्नशिप ढूंढना चाहते हो उस पर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे वेब डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप चाहिए तो मैं वेब डेवलपमेंट डालूँ। अब आपको यहाँ पे फिल्टर्स को यूज़ करना है और एक्सपीरियंस लेवल अपना क्या डालना है, इंटर्नशिप, क्लियर है। और जॉब टाइप क्या रखना है अपने को, इंटर्नशिप, सिंपल। और यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटर्नशिप मिल जाएगी। आपको यहाँ पर साइड में जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा कि आपको पर्क्स मिलने वाले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपने वो क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको फॉर्म पूछा गया रहेगा ना तो फॉर्म में पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो और अपनी क्या क्या स्किल्स हैं उनको समझो और उस तरह से आंसर्स लिखो कि सामने वाले को लगे कि यार मैं ये इंटर्नशिप के लिए सही हूँ। लोग क्या करते जब आंसर्स लिखते हैं ना तो उसमें मेहनत ही नहीं करते, वो सिर्फ कि हाँ दिस आई वॉन्ट इंटर्नशिप, तो वैसे नहीं चलेगा भाई। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सामने वाला आपके आंसर्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारे आंसर लिख रहे हो, आप अकेले नहीं लिख रहे हो ना। आप अगर ज़्यादा मेहनत करोगे, आप अच्छे से अपने आंसर्स लिखोगे, अपना काम बता सकते हो तो कोई लिंक दे दो, अगर गिटहब की लिंक है वो ऐड कर दो तो सामने वाले का काम आसान करोगे, देख भाई मेरे को ये चीज़ आती है और मैं सही हूँ इस इंटर्नशिप के लिए, तो उतना करोगे तो आराम से आपको इंटर्नशिप मिलेगी पहले तरीके से। अब देखते हैं सेकेंड तरीका कौन सा है इंटर्नशिप फाइंड करने का। तो सेकेंड तरीका भी बहुत सिंपल है। सेकेंड तरीका, आपने अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल सेटअप तो कर ली है, अब आप अपना काम दिखाना है लोगों को। तो काम कैसे दिखाया जाता है, किस तरह से अपना काम मार्केट किया जाता है, उसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो उसका बेस्ट एग्जांपल ना आपको सुमित ने बहुत अच्छे से दिया। तो सुमित क्या है, समझो एक नया बंदा है, उसने नया नया ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, अभी तो उसने बहुत सारी फ्रीलांसिंग की है, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए, सुमित बहुत से काम करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो क्या करना है, अपने पास फिलहाल कुछ है नहीं काम, अपने को पास इंटर्नशिप नहीं है, तो अपने को क्या करना है, जैसे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स है उनकी थंबनेल उठाने के और दिखाने का कि हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सुमित ने वो बहुत सही से किया, उसने अमन दत्तरवाल की थंबनेल उठाई और उनको बताया कि यार मैं कैसे अपना, मुझे क्या लगता है कि थंबनेल कैसे इंप्रूव हो सकता है उसको दिया। तो भाई ने बिफोर डाला है, उसके बाद आफ्टर डाला है, तो आप खुद देख सकते हो कि यार क्या चेंज है ब्रो। मैंने खुद सुमित का प्रोफाइल देखा, मुझे अच्छा लगा, और हमारे एक थंबनेल जो है हाउ टू फाइंड पेड इंटर्नशिप की थंबनेल खुद सुमित ने बनाई। तो यार मैंने उसका काम देख के उसको बोला कि भाई काम करेगा क्या मेरे लिए। तो उसी तरह से अगर आप अपना काम अच्छे से पुट आउट करोगे तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे कि भाई काम करेगा क्या। आप एग्जाम्पल सामने देख सकते हो, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वो है देवांग सोनी का। तो देवांग सोनी ने अपना कॉलेज के लिए थंबनेल बनाया है और उसका सैंपल बनाया है कि यार ऐसा मुझे लगता है, और सिंपल सा लिखा हुआ है कि अनदर डे अनदर थंबनेल, डू कमेंट योर सजेशन, आई डिजाइन दिस थंबनेल कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग कैनवा प्रो। और वो बताया गया है और जिनके लिए उन्होंने बनाया है, मतलब जिनके लिए उन्होंने बनाया, जिस चैनल के लिए बनाया, उनको टैग कर दिया है कि यार भाई देखो मैंने सैंपल ऐसा कुछ बनाया है तुम्हारे को देख के। तो भाई लोग ऐसा काम देखते हैं ना तो सामने से अप्रोच करते हैं कि भाई बहुत सही काम है। तो आप अपना खुद का काम मार्केट करना जानते हो, आप अच्छी चीज़ें पोस्ट करोगे ना, लोग आपको सामने से ढूंढ के बोलेंगे कि भाई काम करेगा क्या। तो दिस वाज द सेकंड मेथड। तीसरा तरीका ना थोड़ा सा नेटवर्किंग का, यार आपके यहाँ पे आपको पहचान बनानी आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हो, तो पहले उनके लोगों से कनेक्ट हो जाओ, क्या जो हायर करता है, सिंपल सा अपने कनेक्ट हो गए, फिर अपने को आना है उनके अटेंशन में। आप अपना काम तो पोस्ट कर ही रहे हो तो अपने उनके नज़रिए में तो आ गए हो, आप उनके कमेंट पे, उनके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, उनके चीज़ें से उनका एक बार अपना कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, उस लेवल पे अपने को कम्युनिकेट करना है क्या, हाँ भाई ये वाला ये कैसा है, वो वाला कैसा है, क्लियर है। फिर आपको सामने वाले को डायरेक्ट पिच नहीं करना है। लोग क्या करते, किसी ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी और सीधा उसको बोलते थे सर इंटर्नशिप है क्या। भाई क्यों सामने वाले को आप परेशान करो, पहले क्या करो, पहले कनेक्शन बनाओ, एक पहचान बनाओ, और उसके बाद सामने वाली कंपनी के बारे में जानो, समझो कि वो क्या करती है वो कंपनी, उसके बाद अपनी स्किल समझो, और फिर ये फिगर आउट करो कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। और एक बार अपनी बेसिक सी हाई हेलो शुरू हो गई ना, फिर आप उनको पिच कर सकते हो कि भाई देखो मैं ये स्किल्स कर रहा हूँ, ये आपकी कंपनी ये चीज़ें करती है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ऐसे आपकी कंपनी में ये वाला चीज़ें इंप्रूव करने में मदद कर सकता हूँ, तो इज़ देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो आप अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क करके जाओगे ना सामने वाले के पास,
रेदर देन जस्ट आस्किंग कि हाँ इंटर्नशिप है क्या, तो भाई वो आपके रिसर्च और होमवर्क करके जाओगे, कोई मेहनत करके जाता है ना, सामने वाला अप्रिशिएट करता है। तो आप सामने वाले को काम मत दो कि मेरे लिए कुछ इंटर्नशिप दो, सामने वाले को बताओ। रेदर देन आस्किंग फॉर इंटर्नशिप आई एम सेलिंग प्रोवाइड सोल्यूशंस। जब आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे ना भाई, तो सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ ठीक है, एक बार ट्राई तो दे सकते। तो इस तरह से ये थर्ड मेथड है कि जिन कंपनी में काम करना चाहते हो उनसे कनेक्ट हो जाओ, लेकिन सिर्फ इंटर्नशिप मत मांगो, उनसे पहले थोड़ी दोस्ती बना लो, और उसके बाद जब काम मांग रहे हो तो सोल्यूशन प्रोवाइड करो रेदर देन जस्ट आस्किंग फॉर इंटर्नशिप। ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का तरीका है, कह रहे पहचान जरूरी है, पर भाई यही चीज़ बहुत आगे काम आती है। अगर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आता है तो आप नेक्स्ट लेवल काम कर सकते हो। सो दिस वर द 3 मेथड्स थ्रू विच यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप थ्रू लिंक्डइन। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो ज़रूर कमेंट करना, आई वॉच टिल एंड, और थैंक यू सो मच इसको एंड तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, एंड फॉर और ऐसे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत जल्दी आने वाला है हाउ टू गेट इंटर्नशिप थ्रू ट्विटर, यार वो भी सही प्लेटफॉर्म है भाई। तो कमेंट करोगे तो ये वाली वीडियो जल्दी लाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।